मैसेज आया था कि क्या मैसेज आया था? क्वेश्चंस बता दिया जाएगा, क्वेश्चन एक गेस करा दिया जाएगा ताकि हेल्पफुल हो हम लोग के लिए वो। हम लोग को तो नहीं बोला गया कुछ ऐसा। सर पूछ लीजिएगा ना सर। अच्छा, ठीक है। तो ये कह रहे थे कि क्वेश्चन जैसे आएगा कि एक मिनट में बता, एक मिनट रुक जाइए, मैं हाँ सुन लीजिए, एक क्वेश्चन किस टाइप का आएगा मैं बता रहा हूं आपको, उस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, ठीक है? एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर बोलिए। एक मिनट। अरे भाई क्या हुआ सर? देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन दिए हैं उसी हिसाब से देखेंगे। यस सर। सर इजी है या हार्ड है? जैसे हमने दिए देंगे आज कि जैसे MIS के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि MIS क्या है, नहीं है MIS के बारे में। इसे क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द MIS या व्हाट इज NMIS, समझ गए? और एग्जाम को सीरियसली लेना है आप सारे बच्चों को, एग्जाम बहुत सीरियस मोड में होगा। यस सर। ऐसा नहीं कि हल्के तरीके से ले लीजिएगा। बिल्कुल उसके बाद क्वेश्चन टाइप आ सकता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को बताइए। एक क्वेश्चन MIS से देंगे, एक क्वेश्चन हम लोग DSS से देंगे, ठीक है? और एक क्वेश्चन आएगा ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता, ऑफिस ऑटोमेशन करने के फायदे क्या हैं, ऑफिस ऑटोमेशन की जरूरत क्यों आ पड़ी, ठीक है? फिर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मैं डालूंगा इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट से एक क्वेश्चन डालूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस। एक क्वेश्चन मैं डालूंगा सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई बिजनेसेस, सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है ई बिजनेस में। सर ऑफिस ऑटोमेशन नहीं दीजिएगा?
ऑफिस ऑटोमेशन देंगे कि आज के डेट में पहले जो हम काम करते थे बिफोर द एमआईएस सॉफ्टवेयर, सारे काम होते थे पेन और पेपर की मदद से, आज ऑफिस ऑटोमेट हो गया है। चाहे हमें जो भी करना है हर एप्लीकेशन एमआईएस के थ्रू डील होता है, सारा काम एमआईएस के थ्रू होता है, चाहे एम्प्लॉय की अटेंडेंस बननी हो चाहे कुछ भी हो, तो सारा काम कैसे होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑफिस। समझ रहे हो मेरी बात सर? सिक्योरिटी थ्रेट ई कॉमर्स से बताए थे। हाँ, व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई बिजनेस, आजकल के ई बिजनेस में सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो गया है, समझो मेरी बात। सर क्या बोले सर, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। सर एक्स्ट्रानेट थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इंटरनेट पता है तुम लोग को, बताओ पहले बताओ, जो भी बच्चा को पता है बताएगा सर, क्योंकि तो एक्सटर्नल एग्जाम का क्वेश्चन है एक तरह से। पब्लिक नेटवर्क होता है सर ये। क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क होता है, इस पे किसी का मतलब रोक नहीं होता, नहीं है किसी का ओनरशिप नहीं होता। सर इंटरनेट जो है वो पब्लिक नेट एक्सेस कर सके, इसके लिए हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। ये पब्लिक नेटवर्क होता है, यहाँ पे लो सिक्योरिटी होता है एज कम्पेयर टू इंट्रानेट। हम बोल सकते हैं सर ये। हाँ बोलो बोलो। ये सर बताइए, बोलिए बताइए बताइए। इंटरनेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेटवर्क्स, बोल सकते हैं हम लोग। यस सर। या इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ये भी बोल सकते हैं। यस। तो इंटरनेट क्या होता है कि जैसे इंटरनेट क्या, थ्रू आउट द ग्लोब जो भी हम लोग मैसेज का ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, इमेजेस का ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, ग्राफिक्स का ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, सब इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। इंट्रानेट क्या होगा? इथरनेट नेटवर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रानेट इज अ नेट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इंट्रानेट में अब मैं बता रहा हूँ, सुन लेना। एरिया नेटवर्क में सर वर्क। अब इंट्रानेट क्या होता, जैसे हम लोग मेल एक्सचेंज कर रहे हैं, मेल एक्सचेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जब अगर हम कर रहे हैं विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं जैसे, तब वो कहलाएगा इंट्रानेट। जैसे स्टेट बैंक का एम्प्लॉय अगर स्टेट बैंक के कर्मचारी को, स्टेट बैंक के एम्प्लॉय को कोई मेल कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन कैन बी डिफरेंट। मान लीजिए पटना का कर्मचारी, पटना का एम्प्लॉय दिल्ली के एम्प्लॉय को मेल भेज रहा है यूजिंग द इंट्रानेट, तो विद इन द जब सेम ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो इंट्रानेट आएगा, ठीक है? जैसे स्टेट बैंक का एम्प्लॉय स्टेट बैंक के एम्प्लॉय को भेज रहा है, लोकेशन शुड बी डिफरेंट, ये ध्यान रखिएगा। पटना भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, कलकत्ता भी हो सकता है, लोकेशन शुड बी डिफरेंट। और इन्फोसिस का एम्प्लॉय इन्फोसिस के एम्प्लॉय को मेल भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, ग्राफिक्स भेज रहा है, डॉक्यूमेंट भेज रहा है, डेटा भेज रहा है, थ्रू आउट द ग्लोब, लोकेशन डज नॉट मैटर, ये कहलाएगा इंट्रानेट। ये कहलाएगा इंट्रानेट, मतलब विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट लोकेशन कैन बी डिफरेंट। अब एक्स्ट्रानेट क्या हुआ, इन्फोसिस का बंदा टीसीएस के बंदे को मेल कर रहा है, इन्फोसिस की डोमेन अलग है, infosys.in है, वो टीसीएस के बंदे को मेल कर रहा था, विद इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जब मेल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक्सचेंज होगा, तो एक्स्ट्रानेट होगा। जैसे इन्फोसिस टू टीसीएस, टीसीएस टू विप्रो, विप्रो टू स्टेट बैंक, स्टेट बैंक टू पीएनबी, जब दो तीन चार ऑर्गेनाइजेशन अपना मेल का यूज करेंगे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, तो हाँ एक्स्ट्रानेट का यूज होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। अब विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन का यूज होगा तो बोलो, यस सर बोल दिए। विद इन द सेम सर, तो वो एक्स्ट्रानेट होगा, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट सर, इंट्रानेट होगा सर, विद इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन
एक्स्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट पता ही आप लोग को yes. और एक क्वेश्चन आ सकता है सिक्योरिटी थ्रेट इन ई बिजनेस, सिक्योरिटी थ्रेट ई बिजनेस के अंदर क्या हो सकते हैं आज के डेट में। सिक्योरिटी थ्रेट का क्या मतलब हुआ कि आज के डेट में सारा बिजनेस सारा वर्क ऑनलाइन मोड में आ गया है, सब चीज चाहे आपको बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन, कोई भी काम आज के डेट में ऑनलाइन मोड में आ गया है। तो ऑनलाइन मोड में हम कैसे सेव करके रखेंगे, कैसे सेव करके रखेंगे अपने नेटवर्क को अपने डेटा को, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी थ्रेट। समझ गए? नो सर, सर ये लिखवा दीजिए ना, सिक्योरिटी थ्रेट इन ई बिजनेस। देखो सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई बिजनेसेज लिखिए, टुडे टुडे ऑल ऑफ द बिजनेसेज, टुडे ऑल ऑफ द बिजनेसेज आर गोइंग, टुडे ऑल ऑफ द बिजनेसेज आर गोइंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सो फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा सो सो सिक्योरिटी थ्रेट्स आर सो सिक्योरिटी थ्रेट्स आर इंक्रीजिंग so security threats are increasing day by day, so security threats are increasing day by day full stop, we can use we can use many technologies, we can use many technologies to we can use many technologies to save our network and our data okay. फुल स्टॉप के बाद लिखे द सिक्योरिटी मेजर इन ई बिजनेस, द सिक्योरिटी मेजर इन ई बिजनेस, द सिक्योरिटी मेजर इन ई बिजनेस इन बिजनेस आर द फॉलोइंग
आर द फॉलोइंग, फर्स्ट लिखिए इसमें फायरवॉल, फर्स्ट क्या होगा फायरवॉल, फायरवॉल को तो मैंने क्लास में बताया था, फायरवॉल क्या करता है पहले ये सुन लीजिए कि जिस जहां से आपके कैंपस में, जहां से आपके प्रीमिसेज में इंटरनेट आ रहा है, जहां से आपके प्रीमिसेज में नेटवर्क आ रहा है, जहां से आपके ऑफिस में नेटवर्क आ रहा है, वही नेटवर्क के पॉइंट पे हम एक सॉकेट फायरवॉल लगा देंगे ताकि अनऑथराइज अनवैलिडेट इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू हमारे नेटवर्क में ना आ जाए और हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। समझ गए? तो क्या करते हैं फायरवॉल क्या करता है, जो भी अनवांटेड अनसॉलिसिटेड जो भी मैसेज होता है उसको नेटवर्क के बाहर ही रोक लेता है। देखिए, ए फायरवॉल इज प्लेस्ड बिटवीन, देखिए आप लोग, ए फायरवॉल इज प्लेस्ड बिटवीन प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क सच एज LAN/WAN एंड एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरनेट। सर एंड कहाँ पे हो? सर एंड के बाद सर लैन के बाद स्लैश देंगे बैंड WAN LAN/WAN समझ गए सर। उसके बाद एंड एक्सटर्नल नेटवर्क कॉमा इंटरनेट, एंड एक्सटर्नल नेटवर्क कॉमा इंटरनेट, इसका मतलब ये समझो कि जो हमारे कॉलेज में जो हमारे घर पे लगा हुआ इंटरनेट कनेक्शन, घर का अपना सेपरेट लैन वैन होता है कि नहीं, जो घर के अंदर लगा होता है, चाहे कॉलेज प्रीमिसेज में चाहे ऑफिस के प्रीमिसेज में। यस सर। लेकिन क्या केवल कॉलेज के प्रीमिसेज में या घर के प्रीमिसेज में केवल बिछा रहेगा तो बाहर से इंटरनेट आ जाएगा क्या? नो सर, उसको कनेक्ट करना, हमको तो मेन जो इंटरनेट की लाइन है उसको तो अपना लगाना पड़ेगा कनेक्शन। तो फायरवॉल क्या करता है, जहां से हम एंट्री पॉइंट लेते हैं इंटरनेट का अपने घर के लिए अपने ऑफिस के लिए, वहीं पर लगा दिया जाता है, इसलिए ताकि अनवांटेड अनसॉलिसिटेड डॉक्यूमेंट डेटा नेटवर्क में ना आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। देखिए, इट प्रिवेंट्स, फायरवॉल में लिखिएगा इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेस, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस। सेकेंड लिखिए इंक्रिप्शन, फायरवॉल के बाद लिखिए इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का हमने क्लास में बताया था, क्या था कोई बच्चा बताएगा पहले? साइफर टेक्स्ट कुछ बताया था सर, सेंडर से रिसीवर। सही बताए। कौन बोल रहा है, क्या नाम है? प्रशांत। वेरी गुड। जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जब हम कोई टेक्स्ट किसी को भेजते हैं, जैसे हम लोग मेल भेजते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, तो उसको कोडिंग के द्वारा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता, सेंडर भेजता और सेंडर के बाद कोडिंग सेक्शन आता जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता, और जब रिसीवर लेता है उसको, जब रिसीवर उसको खोल के देखता है तो उसको फिर साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट होके
प्लेन टेक्स्ट में आ जाता है, इसलिए ताकि सामने वाले पढ़ने वालों को दिक्कत ना हो कि किसने क्या भेजा है। अगर वो चाइपर टेक्स्ट में हम क्यों भेजते हैं, ताकि बीच में कोई आपके डेटा को चुरा ना ले, कोई भी डेटा को अल्टरेशन ना कर दे, कोई भी डेटा को मॉडिफिकेशन ना कर दे। बात समझ गए आप लोग? इंक्रिप्शन हुआ, उसके बाद थर्ड इंक्रिप्शन में लिखिए इंक्रिप्शन प्रिवेंट रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्रिप्शन प्रिवेंट रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमा रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमा मैसेज कॉमा रिपोर्ट्स, मैसेज कॉमा रिपोर्ट्स। समझ गए? जैसे आप लोग एक चीज इंक्रिप्शन का लाइव एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग किसी आप लोग अपना ईमेल आईडी पे लॉगिन पासवर्ड करते हैं, पासवर्ड डालते हैं तो क्या वो टेक्स्ट दिखता है कि कन्वर्ट हो जाता है तुरंत इंक्रिप्टेड फॉर्म में? बताओ। अरे पासवर्ड हम डालते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे, जीमेल अकाउंट पे, तो क्या वो दिखता है कि वो डार्क डार्क बन जाता है? बताओ ना सर। ऑप्शन रहता है देखने का भी, और लेकिन हम उसको क्या दिखाते हैं किसी को? नो सर, नहीं दिखाते, उसको प्राइवेट रखते हैं, हिडन। उसको इनक्रिप्ट कर दिया देता है कंप्यूटर, ठीक है सर। एटीएम का पिन भी तो वैसा ही होता है सर। तो एटीएम का पिन आप जब डालते हैं मशीन पे, हाँ वेरी गुड एग्जांपल मिस्टर सलोनी, कि जैसे एटीएम पिन डालते हैं तो क्या दिखता है कि आ रहा है 1234 3421? आता है कभी ऐसा? नो सर, कभी नहीं आता है। डॉट 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 में बदल जाता है, हैं? तो दैट इज इनक्रिप्शन। उसके लिए उसके पीछे कोडिंग लिखी गई है कि मान लो 1 कोई वैल्यू डाले तो कैसा होगा, 2 डाले तो कैसा होगा, जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑथेंटिकेशन। पहला हो गया फायरवॉल, इंक्रिप्शन, फिर लिखिए ऑथेंटिकेशन। सर इंक्रिप्शन का लिखवा दीजिए ना। अच्छा लिखो इंक्रिप्शन प्रिवेंट। मोनिका एक्टिव है आज पूरी तरीके से? यस सर। इंक्रिप्शन प्रिवेंट रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्रिप्शन प्रिवेंट रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमा मैसेज कॉमा रिपोर्ट्स। ठीक है यस सर। अब लिखिए ऑथेंटिकेशन, थर्ड पॉइंट लिखिए ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? क्लास में मैंने कई बार बताया, आप लोग बताइए। क्या होता है ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करता है सर। ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करता है, जैसे हम लोग मेल चेक करते हैं, क्या यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोग क्यों डालते हैं? यूजर को वेरीफाई करने के लिए। यूजर को वेरीफाई करने के लिए कि सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, इसी के लिए ना? यस सर। जैसे ऑथेंटिसिटी का मतलब कि आप यू आर ए राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन टू यूज दैट पार्टिकुलर प्रोसेस, चाहे वो ईमेल आईडी का हो चाहे सिस्टम का ही पासवर्ड लगाते हैं। सिस्टम का पासवर्ड क्यों लगाया जाता है? कोई गलत आदमी सिस्टम को यूज ना कर ले, कोई गलत आदमी सिस्टम को यूज ना कर ले, इसी के लिए ना?
तो ऑथेंटिसिटी यही ऑथेंटिकेशन मतलब, अब लिखो ऑथेंटिकेशन कन्फर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ अदर पॉइंटी. ऑथेंटिसिटी के बाद सर, ऑथेंटिसिटी कन्फर्म दी ऑथेंटिसिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ अदर पॉइंटी ठीक है. पॉइंटी मतलब पॉइंटी, जिसे हम लोग हैं पॉइंटी है बी आर. अब और एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जा सकता है कि प्रिंटर्स के बारे में बताइए. प्रिंटर्स के बारे में देने क्वेश्चन दिया जा सकता है. किसके बारे में? प्रिंटर्स के बारे में. किसके बारे में सर? प्रिंटर्स के बारे में. प्रिंटर्स उसका टाइप्स ही नहीं रहेगा सर, सिर्फ टाइप्स है, इंक जेट नॉन इंक जेट, वो पढ़ के आइएगा ढंग से. और एक क्वेश्चन आ सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम इन डिटेल. कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, ईमेल, वीडियो टेक्स्ट, ऑडियो कॉल. ठीक है तो सर हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे. बड़ा क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना. जैसे हम बता देते हैं क्या है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. एक मिनट सर, 1-3 चैप्टर से ही ना लेंगे. हाँ कम्युनिकेशन सिस्टम में बता रहा हूँ. कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया जैसे वीडियो टेक्स्ट, फैक्स मशीन, ईमेल, इंटरनेट, इंट्रानेट, वर्क स्टेशन, यही सब बताना है. ठीक है और हो गया SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. SDLC भी पढ़ लीजिएगा. और कुछ क्वेश्चन हम बता दें आपको, रुक जाइए. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से क्या बोले सर? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो बताया गया आपको. यस सर, आगे का क्वेश्चंस बताइए सर. एक मिनट. बस यही सब क्वेश्चन रहेंगे, बस ज्यादा नहीं रहेंगे. सर लॉन्ग में कितने वर्ड में देना पड़ेगा आंसर सर? लॉन्ग क्वेश्चन में कितने वर्ड का आंसर देना पड़ेगा? लॉन्ग में 10 नंबर का रहेगा और देख लोगे तुम. टू पेज 3 पेज 2 आवर्स टाइम रहेगा और ऑब्जेक्टिव तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे जल्दी जल्दी में. सर 10 मार्क्स वाले में कितना क्वेश्चन रहेगा? जैसे टाइप्स ऑफ प्रिंटर से मान लीजिए 10 नंबर्स में आ गया तो उसको आप टाइप इंकजेट नॉन इंकजेट इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट लिखोगे कि नहीं? लिखेंगे सर. बस इतनी सी बात है. प्रत्यय सर, इंकजेट और नॉन इंकजेट समझा दीजिए सर एक बार. भेज दिए. इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट होता है. एक में होता है कि टोटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से चलता है, जैसे
उसमें वो लगे होते हैं जो पेज को हल्का हल्का पिन आउट पिन कर लेता है पेज, जो टाइप लाइक ए टाइपराइटर मशीन। एक होता है कि जिसपे केवल हल्का हल्का प्रेस किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम नहीं होता। पढ़ोगे घर पे जाके इसको? ये सर, तो उसको डॉट करते हैं, डॉट प्रिंटर। एक होता है डॉट। सर 5 मार्क्स वाले में और बताइए ना। और नहीं, अब इतना में करके आओ ना, बहुत कुछ हो जाएगा, अब फिर गलत हो जाएगा। ज्यादा चीज बताना सही नहीं होता, एग्जाम को थोड़ी सी सीरियसनेस से लो ताकि अच्छा जाए एग्जाम आप लोग का। सर इंटरनल इतना चलता है सर, थोड़ा बता दीजिए। नहीं नहीं, और कुछ क्वेश्चन नहीं है विशेष जो बताया उसमें। तो इंटरनेट सिक्योरिटी से आप नहीं देंगे ना? नहीं नहीं, अरे ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस इज पार्ट ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। ई बिजनेस क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी से बाहर है क्या? अगर ई बिजनेस नहीं होगा, इंटरनेट सिक्योरिटी है क्या? जितने भी प्लेटफॉर्म ई बिजनेस है सब इंटरनेट सिक्योरिटी मांगते हैं आज के डेट में, है कि नहीं? ठीक है, कब है मेरा पेपर आप लोग का? ये माइस का पेपर कब है? 18 को है सर। 18 दिसंबर को है। कब है? 18 को सर। ठीक है, 20 तारीख को आना है फिर ज्ञान भवन में, अच्छे से आप लोग को एग्जाम है वहाँ भी। सर वहाँ पे किस चीज का एग्जाम है? रूटीन में क्या दिया गया उसी का है सर, बस इंटरनल ऑब्जेक्टिव लिख दिया गया है। ऑब्जेक्टिव भी कुछ होगा। ठीक है, फिर अब क्लास ओवर कीजिए। कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा ये नहीं पता हम लोग को अभी। इंग्लिश टाइप होगा, देखो क्या होता है। सारे सब्जेक्ट का मिला के होगा। ठीक है फिर। थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू सर। ओके, ऑल ऑफ।